वहीं चर्च वगैरह डालेंगे तो मैंने दस खबरों पर मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। रीवा में 14 मिनी सेवा संस्थान की ओर से कोरोना योद्धा सम्मान समारोह का आयोजन, मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम। जबलपुर में पीएम के जन्मदिन के तहत अस्पताल में दिव्यांगजनों की मदद, बीजेपी विधायक ने वितरित किए कृत्रिम उपकरण। डिंडोरी में पीएम के जन्मदिन पर शुरू हुए सेवा और समर्पण अभियान के तहत दिव्यांगों की मदद, कृत्रिम अंग और उपकरण किए वितरित। पन्ना में होगी बेशकीमती हीरो की नीलामी, 3 दिन तक चलने वाले नीलामी में 148 नग हीरो की लगेगी बोली, महाराष्ट्र गुजरात सहित मध्य प्रदेश के। भोपाल में 10 दिवसीय साइबर इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस समिट का आयोजन, इंटरपोल और दुनिया भर से कई एक्सपर्ट्स जुड़े, साइबर अपराध पर लगाम लगाने का मकसद। अमरपाटन में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को पकड़ा। लखनऊ में जनसंघ पार्टी ने विधानसभा चुनाव का एजेंडा और पार्टी के मूल विचारों को किया साझा, सभी 403 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी। अखाड़ा नरेंद्र गिरी के निधन पर फैला शोक, चित्रकूट के प्रख्यात कथावाचक पद्म विभूषण जगतगुरु राम भद्राचार्य महाराज ने भी नरेंद्र गिरी को दी श्रद्धांजलि। बलिया में बीजेपी के प्रबुद्ध कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी पर बरसे यूपी सरकार के राज्य मंत्री का, देश को गुमराह करने वाले आम आदमी पार्टी किसी भी मॉडल को नहीं करेंगे स्वीकार। इटावा में बड़ा रेल हादसा, कानपुर जा रही मालगाड़ी पलटी, बकरी चला रहे आधा दर्जन लोग मालगाड़ी के नीचे दबे, 2 की मौके पर।